सोचेंगे सेव ये हैमर से क्या कूट रहा है, तो मैं ये चिकन ब्रेस्ट कूट रहा हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना के आपको दिखाने वाला हूँ। चिकन जैक्सन, समझे ना आप, बहुत ही प्यारी रेसिपी है, मतलब शायद आपने इससे पहले ना देखी हो। और ये रेसिपी मैं ऐसे ही हवा में नहीं बना रहा हूँ, हमारे रेस्टोरेंट की मेनू में है ये रेसिपी, बहुत ही स्पेशल और खास रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, ये रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा आपको दिखाता हूँ। चिकन जैक्सन बनाने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने चिकन के 3 ब्रस्ट लेना है, 1, 2, 3, और ब्रस्ट बड़े होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, 2 ब्रस्ट को ऐसे ही एक बॉल में रखना है, एक साइड में करने, और इसके अंदर आपने डालना है कम से कम 1, 2, 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ऐसे मिक्स करना है। देखिए इस तरीके से अच्छे से ये डूब जाए जिंजर गार्लिक पेस्ट में, देखिए ऐसे, और इसको रख देना है आपने साइड में, या फिर आप फ्रिज के अंदर रख दें, कम से कम 1 घंटा रखना है, ज्यादा से ज्यादा आप पूरी रात भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे ही हमेशा चिकन को मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, ये है आपकी मर्जी। ये बचे हुए ब्रेस्ट का आपने क्या करना है, इसको कीमा बना लेना है। आप चाहें तो चॉपर से बना सकते हैं, आप चाहें तो मिक्सर मशीन में बना सकते हैं, ये है आपकी मर्जी, लेकिन हमारे पास तो क्या है, 2 चॉपर होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट चॉपर से इसको कीमा बना लूंगा। इस तरीके से आपने कीमा बना लेना है, और ऐसे कीमा बना के आपने रखना है एक बॉल में, और इसमें आपने डालना है 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च, थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पेस्ट, आधा टीस्पून नमक, ये सारी चीजें डाल के आपने इसको, ये देखिए, ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे ही मिक्स करें। और हम होटल वालों का फेवरेट, जो मैं डालना भूल गया था, 1 टीस्पून आपने डालना है एरोमेट पाउडर, उसके बाद ऐसे मिलाना है और इसको रख लेना है साइड में। अब आप सोचेंगे मैं इसका क्या बनाने वाला हूँ, तो आपको दिखाता हूँ, पहले आप इसको बना के ऐसे साइड में रख दें। उसके बाद आपने लेना ये चिकन ब्रेस्ट जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के रखा था, और ऐसे रखना है चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, और इसको ये देखिए यहां से काट लेना है बीच में से, ऐसे काटना है जैसे मैं काट रहा हूं ना, इस तरीके से बहुत ही आसानी से कट जाता है, तो आप भी इसी तरीके से काट लें। ऐसे काटने के बाद आपने क्या करना है, ऐसे काटने के बाद बता रहा हूं, क्लीन रैप लेना है, क्लीन रैप, और ये देखिए क्लीन रैप को ऐसे इसके ऊपर बिछाना है इस तरीके से, जैसे कि मैंने बिछाई, और आपने यहां रखना है चिकन जो हमने काट के रखा था, फिर ऐसे ऊपर से भी क्लीन रैप आएगी, ये देखिए ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है, और यहां से काट लेना है। अब आपने क्या करना है, हैमर लेना है, ये हैमर है हमारे पास होता है होटल में, और इसके ऊपर मारना है, देखिए अच्छे से इसको कूट दें, जैसे कि मैं कूट रहा हूं। अब आपका सवाल होगा कि ब्रेस्ट को कितना कूटना है, इतना कूटना है कि एकदम पतला हो जाए और इसकी साइज डबल हो जाए, जितनी थी ना उससे ज्यादा, ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कूट देना है, जैसे कि मैं कूट रहा हूं। ऐसे कूटने के बाद आपने क्या करना है, इसको खोलना है, देख रहे हैं आप कितना मस्त हो गया। ऐसे खोलने के बाद जो हमने चिकन कीमा बना के रखा था मसाला, ये इसमें भरना है, कितना, कम से कम आधा भरें, ये देखिए ऐसे, ये है बहुत ही खास रेसिपी, इसके लिए मैंने आपको बोला था ना कि स्पेशल रेसिपी बना रहा हूं। और भरने का तरीका क्या है, यहां पर ये जो साइड है ना, इसको आपने थोड़ी सी खाली रखना है, देखे ना आप मैंने कैसे खाली रखी है, इसी तरीके से खाली रखें जैसे कि मैंने रखी है, देखिए। अब इसको फोल्ड करना है, ये देखिए फोल्ड करने के बाद ऐसे अच्छे से फोल्ड करें, ये अब क्या करना है आपने, ये है सीखने वाली बात, इसको दोबारा से क्लियर ऐसे चढ़ाना है, और जो इसके साइड है ना, साइड को आपने हैमर से ऐसे ये देखिए दबाना है इस तरीके से, ऐसे जरूर दबाना है।
ताकि ये अच्छे से दब जाए। और जो मैंने दो आपको ब्रस्ट दिखाए थे दोनों आपने ऐसे ही बना लेना है जैसे कि मैंने ये बनाया, इस तरीके से देख रहे ना आप कितना बढ़िया से पैक हो गया। तो ऐसे ही पैक आपने कर लेना है देखिए जैसे कि मैंने किया। आप चाहें तो प्यार से ऐसे चाकू भी मार सकते हैं लेकिन उल्टा, लेकिन पैक आपने कर लेना है अच्छे से। देख रहे ना आप कितना मस्त पैक हो गया। अब आपने क्या करना है, ऐसे पैक करने के बाद अब ये मैंने दोनों बना लिए हैं लेकिन मैं फ्राई एक ही करूंगा, एक मैं रख दूंगा ऑर्डर आएगा उसके लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने ऐसे बनाना ही रखे, लेकिन हम एक पोर्शन में एक ही पीस देते हैं, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। एक मैं रख दूंगा साइड में, फ्राई मैं एक ही करने वाला हूं। फ्राई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक डिप बॉल और इसके अंदर आपने डालना है एक अंडा, 4 टेबल स्पून भर के ऐसे कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून भर के मैदा, आधे से आधा टीस्पून व्हाइट पेपर, आधा टीस्पून एरोमेट पाउडर, आधे से आधा टीस्पून नमक। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने थोड़ा सा पानी डालना है और ऐसे मिक्स करना है अच्छे से। पहले अच्छे से मिक्स करें उसके बाद पानी ढंग से डालें, लेकिन मिक्स कर लेना है पहले। ये देखिए ऐसे बढ़िया एक निजाम बना के तैयार कर लेना है, फेंट लें अच्छे से, दाना नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे दाना है तो आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन ऐसे फेंटेंगे जैसे मैं फेंट रहा हूँ अच्छी तरीके से तो दाना खत्म हो जाएगा। ये देखिए, लेकिन इसे थोड़ा सा पतला करना है, ये बहुत ही गाढ़ा है, गाढ़ा नहीं होना चाहिए नहीं तो चिकन जैक्सन के बदले चिकन पकौड़ा बन जाएगा, ऐसा पतला रखना है आपने। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ये देखिए ऐसे चिकन को डुबाना है, समझे ना आप अब क्या भयंकर चीज बनने वाली है। और इसको करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए आपने हमेशा की तरह दो चीजों का ध्यान रखना है, तेल गर्म होना चाहिए और क्या होना चाहिए साफ। आपने इस तरीके से देखिए ऐसे घुमा के अच्छे से कोटिंग लगा के ऐसे तब उठाना है, देख रहे ना आप ऐसे, और तेल में ऐसे डाल देना है। और आप देख रहे ना मेरा तेल कैसा साफ है और गर्म भी है, ऐसा ही आपका होना चाहिए। जब आप चिकन तेल में डाल देंगे उसके बाद क्या करना है, आपने ऐसे ही देखिए ये सब निकाल देना है, इससे क्या होता है आपका तेल काला पड़ जाता है, तो इनको आप निकाल दें। उसके बाद चिकन आज हमने पूरा 100% नहीं पकाना है, 100% क्यों नहीं पकाना है ये भी आपको पता चल जाएगा। पहले हम इसको सिर्फ हाफ डन करेंगे, हाफ डन करने के बाद क्या करेंगे मैं आपको हाफ डन करने के बाद दिखाऊंगा, पहले फटाफट हाफ डन कर लेता हूं। ये देखिए कलर बहुत ही बढ़िया आ गया, लेकिन ये अंदर से कहीं ना कहीं कच्चा है, तो आपने क्या करना है इसको निकाल लेना है, जैसे कि मैंने आपको बोला था हाफ डन करके निकालना है, तो ये अभी हाफ डन ही हुआ है, इसको निकाल लें। ऐसे आपने चॉपिंग बोर्ड पे रखना है, उसके बाद इसको यहां से देखिए ऐसे बीच में से काट लेना है, देख रहे ना आप अंदर से भी ये कच्चा है, इसके लिए काटना है। उसके बाद ये देखिए एक और ये दो, ऐसे 3 पीस आपने कर लिए, आप ज्यादा भी कर सकते हैं ये है आपकी मर्जी। अब काटने के बाद क्या करेंगे ये भी तो बताना जरूरी है, तो बता देता हूं। आपने लेना ये जो हमने बेटर बना के रखा था, और ये देखिए एक पीस यहां से उठाना है और ऐसे साइड में लगाना है देखिए, और इसको दोबारा से डाल देना है तेल के अंदर, और अब गैस स्लो रखना है आपने। सारा चिकन तेल में डालने के बाद सबसे पहला काम ये निकालेंगे, सभी निकाल लेना है आपने, उसके बाद ऐसे चलाना है। ये देखिए कितना जबरदस्त हो गया, आप इससे छोटे पीस भी कर सकते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन छोटे पीस अच्छे नहीं दिखेंगे, इसके लिए मैंने बड़े पीस करे हैं, देखें ना आप क्या मस्त लग रहा है। अब आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, अब चिकन बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुका है। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, मेरा मन बहुत दिन से था, 1 साल पहले से मैं ये बनाने के लिए सोच रहा था लेकिन बना नहीं पा रहा था कुछ वजह से, तो आज फाइनली मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही मस्त रेसिपी है, आप जरूर बनाएं, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि सेफ मजा आ गया। आपने इस तरीके से चिकन फ्राई करना है, ऐसा लाल होना चाहिए, ना सफेद होना चाहिए ना जलना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। और ये इतना कड़क और क्रिस्पी हो गया ना मैं बता नहीं सकता। अब आपने क्या करना है फटाफट
आप सोचेंगे मैंने फटाफट क्यों बोला, क्योंकि अगर फटाफट आप इसका सॉस नहीं बनाएंगे तो चिकन क्या है क्रिस्पी नहीं रहेगा। इसके लिए आपने एकदम 2 मिनट में सॉस बना लेना है। कैसे दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले चाइनीज बॉक्स में डालना है 3 टेबल स्पून ऑयल, जैसे कि मैंने डाला, 1 टेबल स्पून गार्लिक, 1 टेबल स्पून जिंजर, 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज, 1 टेबल स्पून हरी मिर्च। गैस फास्ट ऐसे टॉस किया, ये देखिए हल्का सा हल्का टॉस, पर गैस स्लो। उसके बाद आपने डालना है 2 टेबल स्पून चिल्ली पेस्ट, 2 टेबल स्पून केचप टमाटर, ऐसे भूनना है, भूनना जरूरी है, अच्छे से भूने। इससे क्या होता है केचप का मीठापन भी चला जाता है और चिल्ली की स्पाइसनेस होती है वो भी कम हो जाती है। ये देखिए ऐसे भूनने के बाद आपने क्या करना है, इसमें सारे मसाले गिरा देना है। 1 टीस्पून एरोमेट, 4 दाने चीनी के, 2 चुटकी वाइट पेपर, आधे से आधा टीस्पून नमक डालें क्योंकि एरोमेट में भी नमक होता है। इसके लिए सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून। सारी चीजें डालने के बाद ऐसे देखिए पकाना है इस तरीके से। वाव कलर एकदम मस्त हो गया। उसके बाद आपने इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, ये देखिए आधे से आधा कप बोल सकते हैं आप इसे, और इसको आपने पका लेना है, मतलब उबाल लेना है, उबलना जरूरी है। उबलने से क्या होता है सारे मसाले पक जाएंगे, चीनी गल जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। देखिए उबलने के बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने ये कॉर्नफ्लोर टच करना है, देखिए वाव। उसके बाद आपने इसमें डाल देना चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था, ये देखिए ढेर सारा स्प्रिंग ऑनियन, और कुछ ना डालें, गैस आपने करनी है फास्ट, और ये देखिए इसको टॉस कर लेना है। वाव अब देखा ना आपने क्या चीज बनके तैयार हो गई, मजा आया ना आपको। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो आपने क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। अब आप देख रहे हैं ना क्या मस्त हुआ है। अब ये है पिकअप, फ्राई ऐसा होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। ये देखिए क्या मस्त चीज बनके तैयार हुई है। अब आपको पता है कि आपने क्या करके जाना है। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं प्लीज, और आपने इसके ऊपर ये देखिए ऐसे स्प्रिंग ओनियन डालनी है, और ये है पिकअप। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।